तो हेलो गाइस, वेलकम टू मंडोर व्लॉग। तो गाइस, आपका यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि उस टाइम थोड़ा एग्जाम की वजह से बिजी थे और फिर गांव वाँव चले गए थे, तो और दूसरा घर का थोड़ा सा काम और कुछ अपना काम रहता है, तो थोड़ा बिजी थे, तो इस वजह से तो आज सोचा कि आज एक ब्लॉग बना देते हैं। और तो गाइस, कल मनोज जी आने वाले हैं, यानी कि अभी एक एग्जाम है, तो इस वजह से अलवर एग्जाम है, तो कल आ रहे हैं ट्रेन से। तो और दूसरा क्या कि लैब असिस्टेंट की एग्जाम उनकी हो ही गई है, तो उसके बाद देखते हैं। अब मेहनत तो कर रहे हैं, जयपुर रहते हैं, तो यानी कि वहाँ पर तो केवल फटने का काम होता है, खाना वाना बनाने का काम होता नहीं है। और तो दूसरा और इस मेरी कंप्यूटर की एग्ज़ाम हो चुकी है, और अब रिजल्ट आएगा उसका एक दो एक महीने में आ जाएगा, एक महीने के अंदर आ जाएगा जहाँ तक, तो देखते हैं। गाइस, अब आपसे कुछ बात करनी है, तो बताते हैं आपको कि थोड़ा सा मतलब घर में थोड़ा चेंज किया है, चेंज मतलब कुछ नया लगाया है, तो आपको दिखाएंगे क्या नया लगाया है घर में, ठीक है। कुछ मुझे थोड़ा सा क्या है कि कुछ नया करने पसंद है, लेकिन थोड़ा लेट करता हूँ, लेकिन जो भी करते हैं अच्छा करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है अब, तो आपको बताते हैं कि क्या चीज़ लगाई है नई घर में, और उसके बाद मनोज जी आएंगे, तो आपको एक होम टूर का व्लॉग मिलेगा कि पूरे घर का। अभी नहीं दिखाऊंगा मैं, अभी जो चीज़ दिखाऊंगा, जो कुछ लगाई है तो उनको थोड़ी चीज़ अलग दिखाऊंगा, बाकी मनोज जी हैं जो पूरी दिखाएंगे, ठीक है। तो दूसरी बात है, आपको वॉइस थोड़ी सी या तो कम आ रही होगी या ज़्यादा आ रही होगी, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये ईयरफोन से, जो ईयरबड मैंने मंगाई थी तो उससे रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि ये गाइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें देखने के बाद में मैंने इसको मंगाया था, इसके कई फायदे हैं। कंप्यूटर वगैरह पर काम करते हैं तो उस टाइम भी ये काम आती है, कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाती है। और दूसरी बात, इसकी सबसे अच्छा मुझे इसमें क्या लगा कि जैसे कि आपने ईयरफोन लगा रखी है, और इसमें क्या है कि बाहर की जो वॉइस होती है ना, जैसे शोर शराबा या बाहर कोई भी कुत्ते बिल्ली या कुछ भी वॉइस आ रही है, तो वो वॉइस आप इसमें ऑप्शन होता है जिसे बंद कर सकते हो, तो बाहर की वॉइस आएगी नहीं, और जो भी आपका काम, आप जगह अगर कोई क्लास ले रहे हो या कोई गाना सुन रहे हो ना, तो वो गाना ही आपको प्रॉपर सुनाई देगा। बहुत अच्छी है, और थोड़ी सी मैं कॉस्टली है, ये ज़रूर है कि 5,000 रुपये बहुत होते हैं, तो थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन जो प्रोफेशनल कुछ काम करते हैं, एडिटिंग वगैरह का काम करते हैं, या कोई भी और भी काम हो यानी कि, तो वो लोग ले सकते हैं, नहीं तो 400-500 रुपये की आती है, जो वायर वाली आती है ना, वो सबसे बेस्ट है। कल मनोज जी आएंगे तो इस वजह से आज सफाई कर दी घर की, नहीं तो रसोई वगैरह थोड़ा सा फैला हुआ था, आपको पता ही लड़कों से इतना नहीं होता सफाई, कोशिश करते हैं फिर भी नहीं होता। एक रूम हो जैसी तो कर दे, पूरा मकान है, बाहर है, गैराज है, तो नहीं हो पाता यानी कि, तो इस वजह से गाइस लड़की होती है ना, मुझे थोड़ा सफाई क्या है, लड़कियाँ कहीं भी देख लो जहाँ पर लड़कियाँ रहती हैं वहाँ सफाई अच्छी होती है। तो आज आपको दिखाते हैं कि हमने क्या चीज़ नहीं लगाई है घर में, तो बाकी मनोज जी आपको पूरा टूर करवा देंगे, तो चलो गाइस। तो गाइस, अब आपको दिखाते हैं कि हमने मैंने नया क्या किया है। तो गाइस, फर्स्ट में यानी कि मेरा वाला रूम आपको पता है कि वीर जी का रूम है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर वगैरह रखे हुए हैं, तो हमने एसी पहले ही लगा लिया था उसी टाइम, गर्मियाँ थी। और अब किया है कि एक सैमसंग का 43 इंच का टीवी लगाया मैंने अपने रूम में, वैसे टीवी मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन यानी कि लगा लिया था, तो फर्स्ट ये किया है इस रूम में, क्योंकि ये थोड़ा ठीक लगेगा, क्योंकि हम क्या कंप्यूटर से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, तो कुछ चीज़ें इसमें चलती हैं, तो फर्स्ट ये है। दूसरा आपको दिखाते हैं एक शानदार चीज़, तो गाइस जो ऊपर ये डिज़ाइन बनी हुई है ना, यानी कि ये वाली डिज़ाइन बनी हुई है, क्योंकि इधर जैसे बेड होता है ना, अभी फिलहाल इसमें बेड है नहीं, लेकिन बेड के हिसाब से बनाई थी ये डिज़ाइन, तो ऐसा, तो इसमें क्या गाइस लाइट लगती है इस तरीके से, ताकि ये पूरी डिज़ाइन उभर के आए, तो इसमें लगाई है मैंने लाइट, आपको जला के दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए कितना शानदार नज़ारा है। तो गाइस वैसे इसमें 3 लाइट लग सकती हैं, लेकिन फिलहाल मैंने एक ही लगाई है, क्योंकि ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी, बाद में देखूंगा फिलहाल। और इसका कलर मैंने अलग अलग कर रखा है, लेकिन एक भी जला सकते हैं एक कलर में। ये वाईफाई वाली लाइट है गाइस, कोई भी कलर आप मन करें जो कलर बना सकते हो, और उसको कंटिन्यू जला सकते हो, जैसे ये थोड़ा सा ऐसा कर रखा है, बार बार चेंज होगी, नहीं तो इसको एक भी कलर में भी जला सकते हैं, इसको रेड पसंद है, किसी को कैसा है। तो ये रही मेरे वाले रूम की, और गाइस अब दिखाता हूँ आपको हॉल में क्या किया मैंने, तो हॉल का नज़ारा देखिए। हॉल में कोई लाइट नीचे वाली नहीं जल रही, मतलब जो बल्ब होता है उस तरह की लाइट नहीं है, ये है ऊपर की लाइट गाइस। और इसमें देखो
मस्त लग रहा है ना, काफ़ी मेहनत की है मैंने और एक भैया हैं, उन्हें उनके हेल्प लेके लगाई थी। और गाइस देखो फिलहाल दो कलर एक जैसे कर रखे हैं दोनों की। अब गाइस ये सिंपल लाइट नहीं है, ये थोड़ा क्या कि फोन से कंट्रोल होती है, वाईफाई वाली लाइट है, यानी कि एक लाइट की कीमत है 2700 रुपये, क्योंकि वाईफाई से कंट्रोल होती है। आप पीसी वगैरह से या कंप्यूटर से या फ़ोन से इसको कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कैसी जलानी है। अगर आपके कंप्यूटर या मोबाइल में गाने वगैरह चल रहे हैं तो उस हिसाब से कंट्रोल कर लो, तो पूरी लाइटें यानी कि उस हिसाब से चलेगी जिस हिसाब से गाने का बेस चलता है। तो गाइस और वाईफाई ऊपर लगा हुआ है, जहाँ पर कनेक्शन किया है ना वहाँ पर ही लगा हुआ है, तो नीचे आप पासवर्ड डाल के और कंट्रोल कर सकते हो। तो गाइस ये रहा नजारा, आपको दो फोन रहेंगे जब दिखाएंगे, फिलहाल मेरे पास एक ही फोन है, मन्नो जी आएंगे तब इसका कंट्रोल दिखाएंगे आपको कि कैसे चलती है, ठीक है गाइस। तो ये रही दूसरा, देखो आज मन्नो की सिस्टर मकान को कर गई ठीक, नहीं तो पहले तो क्या थोड़ा सा हो रहा था, आती ना तो मन्नो जी थोड़ा सा गुस्सा होती कि मकान को गंदा कर रखा आप लोगों ने। तो और इसके पीछे तो मैंने पहले से लाइट लगा रखी थी, ये तो आपको पता है शीशे के पीछे दोनों साइड। तो ये है गाइस मनु जी के रूम में लाइट लगाई नहीं है तो वो होगी नाराज, आपको पता है बोल भी रही थी कि मेरे रूम को तो आप लोग कुछ करते नहीं है, तो मनु जी के भी लगाएंगे बाद में जाके। इसमें भी डिजाइन बहुत शानदार है गाइस, इसमें लाइट लगेगी ना तो बहुत खतरनाक लगेगी, क्योंकि इसका डिजाइन है ना बहुत खतरनाक है, चारों तरफ ऐसे लाइट लगेगी, फिर ऐसे लाइट, फिर ऐसे लाइट। तो ये रही जैसे इस चौक में लग रही है इस तरीके से ही। तो अब आपको किचन दिखाते हैं, तो ये देखिए किचन, और किचन मनु जी की सिस्टर एकदम अच्छा कर गई है बिल्कुल, मतलब मनु जी आएंगे तो सोचेगी भीड़ गिर बहुत अच्छी से सफाई कर रहा है, वैसे बता देती है पता लग गया होगा उनको। और पनीर की सब्जी बना के गई थी, इसको ही खा लेंगे शाम को, तो कल भी इसको ही खा लेंगे सब्जी नहीं बन। तो गाइस ये है, बाकी आप देख सकते हो गाइस मेहनत लगती है बहुत, लगा लाइट वाइट लगाने में बहुत काफी मेहनत होती है, क्योंकि ऊपर तिपाए से छड़ना। तो गाइस ये है आज का ब्लॉग, और ब्लॉग का करते एंड, ठीक है गाइस। ज्यादा अच्छा ब्लॉग नहीं है, ऐसा ही बना दिया मैंने नॉर्मल सा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मनु जी आएंगे तो तब कुछ बनाने की सोचेंगे, कोई स्पेशल चीज़ ब्लॉग वगैरह या एक सॉन्ग पे बनाने की सोच रहे थे, महादेव जी का एक गाना है उस पर, लेकिन अभी क्या है कि मनोज जी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ रहते भी नहीं है, तो इस वजह से बात नहीं बन रही। तो गाइस कैसा लगा, बाद में मनोज जी आएंगे तो आपको होम टूर दिखाएंगे पूरे मकान का गाइस, ठीक है। तो ठीक है चलते हैं, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।